नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे मैक्स पंच वत्सुपर्णा। सो गाइस, शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो इतना सारा गॉसिप कहाँ से मिलेगा आप लोगों को। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बिग बॉस OTT पहले बोला जा रहा था होगा, फिर बोला था नहीं होगा, फिर बोला था होगा, फिर बोला था नहीं होगा, तो फाइनली कन्फर्म्ड है कि बिग बॉस OTT 3 आ रहे हैं। यस, कन्फर्म्ड है। साथ ही साथ मैंने प्रीवियस वीडियो पे भी कहा था कि बिग बॉस का जो जियो सिनेमा वाले है अभी पैसा लेने वाला है, सबको ही पैसा चाहिए। लेकिन गुड पार्ट इज, पैसा जो है, अमाउंट जो है सब्सक्रिप्शन का, बहुत ही नॉमिनल रखा है ताकि सभी लोग एफोर्ड कर सके। 29 रुपीज, जी हाँ, बहुत ही सस्ता है। 29 रुपए पे आपको प्रीमियम सब कुछ मिलेगा, मूवीज सब कुछ, साथ ही साथ बिग बॉस भी आप जियो सिनेमा पे देख सकते हो। तो अगर ये चीज नहीं पता है तो मैं बता दिया, उसके लिए मुझे थैंक यू करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं बिग बॉस OTT 3 के बारे में। तो OTT 3 पे एक कंफर्म कंटेस्टेंट आ रहे हैं Playground Season 3 का। जी हाँ, क्या आपने Playground Season 3 देखा था? मैंने तो नहीं देखा था क्योंकि वो मेरा जोन पे नहीं है, आई डोंट लाइक वो वैसा वाला शो। लेकिन हाँ, मैं क्योंकि इस फील्ड पे हूँ तो मुझे न्यूज़ रखना पड़ता है, तो मैं क्लिप वगैरह मैं देखती रहती हूँ। तो उसमें ही मैं एक बंदे को देखा था, क्योंकि उस बंदे का वीडियोस मेरे पास बहुत ज्यादा आया। एक्चुअली शायद वो Playground Season 3 पे सबसे फेमस बंदा था, वो शायद एल्विश की टीम से था, आई डोंट नो, बट जो भी हो वो शायद, मुझे लगता है कि वो बहुत ही फेमस था प्लेग्राउंड पे, जिसकी वजह से मुझे, मेरे पास बहुत सारा उसका क्लिप कभी एक बार देख लिया किसी का तो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, रेकमेंड करने ही लगता है। तो सेम चीज होता था, मेरे पास उसका ही बंदे का ही न्यूज आता था। एंड फॉर्चुनेटली अगर बात करूं तो इसी बंदे को बोला जा रहा है कि बिग बॉस OTT 3 के लिए अप्रोच की कर दिया गया है, ये तो कन्फर्म्ड है। अब आएगा कि नहीं उसके ऊपर है, लेकिन बंदा कौन है या बंदी कौन है, बंदा कर रही हूँ, बंदी भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों ने भी क्लिप देखते हो, अगर शो नहीं देखते हो, क्लिप वगैरह तो देखते ही होंगे मेरी तरह, तो आपको पता होगा अभिषेक मल्हान जब गए थे, उसका एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जहां पर अभिषेक मल्हान किसी को बोल रहे थे कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, इज्जत दो लोगों को, ये सब, मतलब बेसिकली उसके अकॉर्डिंग लेक्चर दे रहे थे, जो कि अच्छी बात बोल रहा था। तो वो बंदा था चिल गेमर, पता नहीं वो क्या गेम खेलता था, लेकिन हाँ उसका जो यूट्यूब चैनल नेम है, उसका जो जैसे फुकरा इंसान है अभिषेक मल्हान का, वैसे ही उसका भी जो यूट्यूब चैनल नेम है, आई थिंक उसका नाम है चिल गेमर, जिसका नाम है अहमद नवाज नवेज। एक मिनट मैं देख ही लेती हूँ, नहीं तो आप लोग फिर से मेरे ऊपर आ जाएंगे, भाई नाम नहीं पता कि वीडियो बना रहे हो, दीज एंड दैट। सो उसका नाम है अहमद नवाज, ओके, अहमद नवाज। तो बेसिकली ये बंदा जो है बिग बॉस के ही लायक थे, तो जैसे वो बात किया था, लायक था इन द सेंस कि वो उसका जो बहुत ही ओपिनियंटेड एक पर्सन है, बच्चा है, लेकिन हाँ एकदम मुंह तोड़ बोल देना किसी के ऊपर, किसी के सामने, बिना कुछ आगे पीछे उसका बैकग्राउंड देखे, या किसी के होता है ना रिस्पेक्ट के लिए नहीं बोला किसी के मुंह पे, या आप जो भी बोल लो, कुछ लोग होते हैं कि रिस्पेक्ट छोड़ दो, पहले तो मुझे जो मन में है, मेरे दिल में है, पहले मैं बोल दूं। तो ऐसा ही कुछ कैरेक्टर था अहमद का शो के अंदर, जिसकी वजह से उसको मिला है थोड़ा फेम, एंड जिसकी वजह से उसको बिग बॉस के 3 के लिए अप्रोच किया गया है। बिग बॉस का मानना ये है, ये जो बंदा है ये कंप्लीट बिग बॉस मटेरियल है, तो अगर ये बिग बॉस पे आएगा, शायद बिग बॉस पे वो चांद चांद लगा दे, ऐसा कुछ काम कर ले। अब तो बात की बात है वो क्या करेंगे। मुझे तो लगता है भाई, एक बदतमीज होना और एक रेस्पेक्टफुली चीजों को रखना दोनों अलग बात है। बदतमीज लोगों को कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, अगर हाँ बंदे के अंदर उतना दम है कि अपना बात सामने रख रहा है, लेकिन बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ, बहुत ही इज्जत देकर ऑपोजिट इंसान को, वही लोग जो है ना, लोगों का अटेंशन जीतता है। तुम अगर गलत चीज को ठीक करने के लिए खुद भी गलत लगोगे तो वो तो चीज सही नहीं है, मुझे तो ये लगता है। अब हाँ, वो बंदा का मैंने जितना भी क्लिप देखा है, ये बात तो सही है कि वो बिग बॉस मटेरियल है, पक्का है। अगर आपने देखा है चिलर गेमर को, अहमद नवाज को, जरूर बताना कमेंट करके कि आपको भी लगता है कि वो बिग बॉस मटेरियल है। मुझे तो भाई लगता है,
यस जाते जाते मैं सुपर्णा रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।